नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं राममोहन शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो इस वक्त चल रहा है। वो पुलिस लाइन से मुख्यमंत्री आवास तक रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो देहरादून पुलिस लाइन से सीएम आवास तक ये रोड शो शुरू हुआ है और नारेबाजी इस वक्त आप कार्यकर्ताओं की सुन रहे होंगे, जहां मुख्यमंत्री के नाम से जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एक खुली गाड़ी पर सवार हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री को माला भेंट कर रहे हैं, फूल भेंट कर रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें खींच रहे हैं और अब धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। कई तरह के वाद्य यंत्र हैं बजाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्र भी इस वक्त बजाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है। असल में उत्तर प्रदेश का दौरा था पुष्कर धामी का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की और पुराना जो परिसंपत्ति विवाद चला आ रहा था, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हुआ, राज्य अलग बना उत्तराखंड, तब कुछ ऐसे संपत्ति के विवाद थे जो अनसुलझे रह गए थे और तब से लेकर अब तक पिछले 21 साल में वो सुलझ नहीं पाए थे। अब उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जब दोनों एक टेबल पर बैठे तो यह तय हुआ कि कौन सी संपत्ति किसके पास जाएगी, किस संपत्ति का कितना पैसा उत्तराखंड के हिस्से में आएगा और वो विवाद सुलझाने के बाद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री वापस उत्तराखंड। जब पहुंचे हैं तो उनका स्वागत हुआ है और इन सब के बीच ये तस्वीरें आपके सामने। पुलिस लाइन से ये काफिला निकला है और आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। और जानकारी यह है कि यह जो रोड शो है यह पहुंचेगा मुख्यमंत्री आवास तक। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये रोड शो अभी शुरू हुआ है, संभवतः एक घंटा कम से कम इसको चलना चाहिए, क्योंकि जो जानकारी है कि ये सीएम आवास तक जाएगा और जो लगभग दूरी है पुलिस लाइन से लेकर सीएम हाउस तक की वो 5.5 से 6 किलोमीटर के आसपास है। सामान्य तौर पर आप जाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगेगा। मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको लगभग 10 ही मिनट लगे, लेकिन चूंकि ये रोड शो है और इस रोड शो में पुष्कर सिंह धामी जब जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उनके आगे पीछे है और ये रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सीएम आवास तक।